कोरोना महामारी से लड़ रहे सभी कर्मवीर योद्धाओं को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और आभार। दोस्तों, मिलजुल कर एकजुटता से हम सभी इससे लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें सफल भी होंगे। हम सरकार को हर संभव मदद कर रहे हैं और दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अपने स्तर से अभी तक 50,000 से अधिक लोगों की मदद कर चुके हैं। मैं देश भर में फंसे प्रवासी बिहारी भाइयों से अपील करता हूं कि थोड़ा धैर्य और बनाए रखें। हम आपके दुख तकलीफ को समझते हैं, जानते हैं। आपको परिवार की और परिवार को आपकी चिंता है, ऊपर से खाने पीने और रहने की। आज प्रवासी मजदूरों के विजुअल्स को देखकर दुख हुआ। एक छोटे से रूम में 10-10, 20-30 गरीब मजदूर रह रहे हैं। क्या सरकार नहीं जानती वहां कैसी फिजिकल डिस्टेंसिंग है? 100 मजदूर एक टॉयलेट का प्रयोग करते हैं। अगर उन्हें देश भर में खड़ी रेलगाड़ियों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर वापस घर भेज दिया जाए तो क्या दिक्कत है? कामगार मजदूर और मजलूम वर्ग का आज सूरत और मुंबई में अपने घर लौटने के लिए सड़क पर उतरना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। जहां अमीरों को हवाई जहाज 5-सितारा होटलों में खुशामद कर रहे हैं, वहीं गरीब मजदूर बंधुओं को उनके घर तक सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हमारे कार्यालय से दिन भर में हजारों मजदूरों से बात कर उनकी मदद की जा रही है। अब उनके पास पैसा, राशन पानी कुछ नहीं है। वो अपने घर जाना चाहते हैं। सरकारी कैंप में एक ही तरफ का भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें कई किलोमीटर जाना पड़ता है। पुलिस से नोकझोंक सो अलग। भूखा आदमी क्या करेगा? इस देश में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। बिहार सरकार तुरंत गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब सरकारों से बात कर सभी बिहारियों को वापस लाए। संकट की घड़ी में आप उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। ये बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले भुगतना पैदल चलने वाले को, कोरोना लेकर आए पासपोर्ट वाले अमीर और भुगतना पड़ रहा है बीपीएल राशन कार्ड वालों को। अमीरों की शानो शौकत और बीमारी परेशानी को बेचारे गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। अब आप उनको महज 500 रुपए और मुट्ठी भर दाल चावल से बहलाना चाहते हो। मैं सरकारों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, कोरोना से मरे ना मरे लेकिन करोड़ों गरीब लोगों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो भूख से जरूर मर जाएंगे। दिल्ली से यूपी और बिहार में लाखों मजदूर आए, क्या उनमें से कोई एक भी पॉजिटिव केस मिला? आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि सभी को अपने प्रदेश वापस बुलाएं और उनको क्वारंटाइन करिए, लेकिन बुलाएं। आदरणीय नीतीश जी, आप देश के वरिष्ठतम नेता हैं, हर जगह आपके गठबंधन की सरकारें हैं। जब उत्तराखंड में फंसे हजारों गुजरातियों को डीलक्स बस में विशेष इंतजाम करके अहमदाबाद ले जाया जा सकता है तो गरीब बिहारियों को क्या आप 21 दिनों बाद भी साधारण ट्रेन में भी नहीं ला सकते? यह वाजिब सवाल है।